हेलो दोस्तों, मां मरदीप का ध्यान, नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय श्री की, राम राम जी, जय माता की। दोस्तों आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल डिसेंट एडवाइज में। दोस्तों आज हम बात करेंगे सक्सेसफुल मंत्रा के बारे में, मनी मैनेजमेंट के बारे में, कि जो ये सक्सेसफुल आदमी है इतने ज़्यादा सक्सेसफुल कैसे होते हैं। अगर आप नोटिस करो, कहीं बहुत सारे आदमी इकट्ठे हों, कहीं भी ब्याह शादी में या किसी भी फंक्शन में, अगर आप उनको सारे आदमियों को एक जगह इकट्ठा करके सिर्फ एक क्वेश्चन पुट करेंगे कि भाई आप में से कितने आदमी अमीर बनना चाहते हैं, हाथ ऊपर कर लो भाई साहब, 100% आदमियों का हाथ ऊपर हो जाएगा। अब आप एक क्वेश्चन और करो कि कितने आदमी बहुत ज़्यादा अमीर बनना चाहते हैं, दोनों हाथ ऊपर कर लो, फिर देखेंगे आप सबके दोनों हाथ ऊपर हो गए। अब सवाल क्या है कि ये क्या ये 100% आदमी अमीर बन जाते हैं या सुपर रिच बन जाते हैं? इनमें से सिर्फ 5% आदमी अमीर बनते हैं और 1% भी ऐसे नहीं है जो सुपर रिच बन जाते हैं। उसके पीछे कारण क्या है? सिर्फ और सिर्फ सोच का। हमारे देश में कहीं भी फाइनेंशियल फ्रीडम की तो कोई स्टडी होती नहीं। शुरुआत कहाँ से होती है? जब बच्चा पैदा होता है और वो 5-6 साल का हो जाता है, और जब किसी के घर में कोई आता है, मेहमान आता है, कोई यार प्यारा रिश्तेदार आता है, तो बच्चे से पूछते हैं भाई क्या बनेगा? भाई डॉक्टर बनूंगा, भाई इंजीनियर बनूंगा, भाई साइंटिस्ट बनूंगा। उसको 5-7 साल के बच्चे को कैसे पता लगा कि क्या बनना है? उसको क्या पता डॉक्टर किसको कहते हैं? वो किसने सिखाया? उसके पेरेंट्स ने सिखाया उसको कि तुझे ये करना है। तो हुआ क्या, उसकी प्रोग्रामिंग शुरू कर दी बचपन से ही। जब वो 2-3 साल का बच्चा होता है, राम राम से बात समझने लग जाता है। जब 3-4 साल का बच्चा हो, इतनी बात समझने लग जाता है, आप उसको कहो पड़ोस की दुकान से ला रहा है सामान, चीज़ ले गया, बिस्कुट ले गया, तो आपको कहेगा पैसे दे। मतलब 3 साल के बच्चे को इतनी समझ में आ जाती है कि पैसे की जरूरत पड़ेगी वहाँ जाने के लिए, लेकिन उसको पैसे की अहमियत को तो बताया जाता है बहुत ज़्यादा। उसको कहेंगे जब वो 7-8 साल 9 साल का हो जाएगा, अरे पैसे कमाने तो बड़े मुश्किल हैं भाई, ये तो बड़े मुश्किल हैं, कोई पेड़ों का थोड़ी लग रहे, ये बता दिया उसको। अब उसको ट्रेनिंग किस चीज़ की दे रहे हैं? उसको उकसा कह रहे हैं नौकरी करने के लिए, अच्छे से पढ़ भाई, बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ना है भाई, नौकरी अच्छी लग जाएगी भाई। नौकरी अच्छी लग के क्या हो जाएगी भाई? सरकारी नौकरी तो है नहीं, करोड़ों बेरोजगार घूम रहे हैं, हजारों नौकरी निकले, करोड़ों आदमी घूम रहे हैं, वो क्या करेंगे? प्राइवेट जॉब करेंगे, जैसे हमारे में से बहुत सारे आदमी कर रहे हैं, 30-40-50 हज़ार रुपये, 70 हज़ार रुपये, माने कोई 7 लाख रुपये महीने वाला आज तक प्राइवेट जॉब वाला देखा नहीं। वो 70 हज़ार रुपये वाला भी, वो भी कर्ज के जाल में फंसा हुआ है, एक कोठी ले ली, बंगला, छोटा मोटा मकान, दुकान ले ली, कोई घोड़ा गाड़ी ले ली, वो उसकी किस्त EMI भरने में लगा हुआ है। अब वो क्या कर रहा है? वो जो गलती उसके पेरेंट्स ने की थी, उसके माँ बाप ने की थी, वो भी सेम टू सेम उसको दोहरा रहा है, अपने बच्चे को भी वही ट्रेनिंग दे रहा है। अब क्या होगा? अब वो स्कूल में जाएगा, स्कूल में कोई फाइनेंशियल नॉलेज किसी स्कूल में नहीं दी जा रही। जब बच्चा स्कूल में जाएगा, 2-3, 1st, 2nd, 3rd, 4th class में उसको पढ़ाना शुरू कर देंगे हड़प्पाकालीन सभ्यता, मोहनजोदड़ो की सभ्यता का वर्णन करो। अरे भाई हड़प्पा कालीन सभ्यता, मोहन जोदड़ो, उसका क्या करना? हमने पढ़ लिया, हमारे किस काम आ गया? फिर उसको समझाएंगे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या है भाई, उसको वो रटना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, फिर उसका क्वेश्चन आएगा पेपर में प्रकाश संश्लेषण की क्या क्रिया है, फिर उसको वो बताना पड़ेगा। अब उसने वो रट भी लिया था उस टाइम, वो आज जिन्होंने वो पढ़ा था उनके किस काम आ रहा है? प्रकाश संश्लेषण क्या कर रहे हैं? किसी काम आ रहा? उस प्रकाश संश्लेषण से कोई जॉब मिल रही है किसी को? और अब आगे चलो भाई, न्यूटन का सिद्धांत क्या है भाई, गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है? अरे ऊपर से चीज फेंक को नीचे गिरेगी यार, गुरुत्वाकर्षण का उसने क्या करना, वरना साइंटिस्ट बनना है? वो तो उसको वैसे ही पता है, बॉल को ऊपर फेंकेगा, जितनी तेज ऊपर फेंकेगा उतनी तेज नीचे गिरेगी। ला भाई, अब ये तो न्यूटन का सिद्धांत हो गया। अब और पास्कल का सिद्धांत क्या है भाई, कोई भी द्रव ऊपर से नीचे की तरफ चलता है। ठीक है भाई, वो तो बच्चे को भी पता है यार, ऊपर के पाइप से पानी मारेगा तो नीचे ही गिरेगा, वो पास्कल का सिद्धांत हो गया। तो वो जो पास्कल का सिद्धांत है और जो ये जितने सारे सिद्धांत पढ़ाए जा रहे हैं
हड़प्पा कालीन सभ्यता हमें पढ़ाई जा रही है, वो किसी आदमी को एक आदमी मेरे को दिखा दे भाई उसके काम आ गई भाई, जो मिल गई उसको देश को आई, और उससे फिर और नया और उसको क्या सिखाया जाता है स्कूल में भाई, 1857 की क्रांति भाई, प्लासी का युद्ध कब हुआ था भाई, 1857 की क्रांति कब हुई थी भाई, किसने की थी, अब दोबारा 1857 की क्रांति होगी क्या भाई, तो देश आजाद हो चुका है, अब तो 1857 क्रांति करने की जरूरत नहीं है। फिर शाहजहां ने ताजमहल बना दिया भाई, अरे शाहजहां ने ताजमहल तो बना दिया भाई साहब, उसको पढ़ा भी दिया आपने कि 200 साल के लगभग तो अंग्रेजी राज कर गए हैं और 300 साल के करीब मुसलमान राज कर गए, अब जब मुस्लिम कम्युनिटी ने राज किया तो वो अपना बनाएंगे ही, जिनकी सरकार थी जिनके पास पैसा था जो राजा थे उन्होंने बना लिया। अब सवाल यह है कि आम आदमी ने कभी देखा है ताजमहल, 250 रुपये तो उसकी टिकट है देखने की, और मैं करनाल की बात करूँ जहाँ मैं रहता हूँ यहाँ से 250 किलोमीटर हो वैसे ही है, कितने आदमी हैं यहाँ जो गए हैं वो देखने के लिए, और देख के उनको मिल गया क्या, जॉब मिल गई, बिजनेस मैनेजमेंट आ गई, कोई व्यापार करना आ गया, कुछ नहीं, नथिंग, बेकार गई उसकी वो। अब आ गई लाल किले की भाई, लाल किला किसका है भाई, अंतिम मुगल शाह कौन था भाई, अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर था भाई, पढ़ा था, और वो लाल किला किसका था, अरे भाई अंतिम मुगल शाह जब बहादुर शाह जफर था तो बहादुर शाह जफर का ही था लाल किला, और किसका था, अब किसका है, उसके बाद सरकार ने अपने अंडर ले लिया जब उनका शासन खत्म हो गया, और सरकार ने अंडर आज की डेट में भारत सरकार का है। अब मुझे क्या फायदा हुआ, बहादुर शाह जफर ने वो उसका किला था लाल किला, और बहादुर शाह जफर मेरा दादा तो था नहीं भाई, जो मैंने भी हिस्सा मिलते वो सुमत है, ये चीजें पढ़ाई जाती हैं। फिर उसके बाद कॉलेज आ जाएगा, कॉलेज में क्या पढ़ाएंगे भाई, यहाँ तक तो मेरे को समझ में आवा, कोई बच्चा MBBS का कोर्स कर रहा चाहे वो RMP कर रहा, अगर वो कर रहा उसके किसी काम आ जाएगा, वो क्या पता दुकान खोल ले अपनी या कहीं लग जाएगा हॉस्पिटल में जा गए सरकारी प्राइवेट, तो हो सका उसके पास पैसे हों तो हॉस्पिटल खोल लेगा, वो उसके किसी काम आ जाएगा। अब हो गया MBA भाई, कोई बिजनेस का कोर्स करवाया जा रहा है, मैंने सुना MBA करवाऊँ भाई, बिजनेस का कोर्स है भाई, बिजनेस का कोर्स करके मैंने आज तक कोई बिजनेस करता नहीं देख लिया आज तक एक आदमी भी, आप देख लो आपके मोहल्ले पड़ोस में कहीं दिख दो कोई यार प्यारा रिश्तेदार दिख दो भाई ने बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स कर रखा, 1 लाख में एक आदमी नहीं पाएगा आपको बिजनेस करता हुआ, क्यों, कारण क्या है, वो जो बिजनेस MBA का कोर्स करवा रहा है वो भी खुद व्यापार नहीं कर रहा, वो खुद ही एम्प्लाइज है, वो खुद टीचर है, और जब उसने वो स्टडी की थी जॉब पढ़ रहे हैं वो भी बिजनेस करने के लिए जॉब करने के लिए कर रहे हैं, और जो पढ़ा रहा है वो खुद ऑलरेडी जॉब कर रहा है, वो क्या बिजनेस करना सिखाएगा वो कोई बिजनेस, और जब उसने वो स्टडी की थी उसने भी जॉब करने के लिए की थी, नाम रख दिया बिजनेस मैनेजमेंट, बिजनेस करना सिखाएंगे भाई, अरे कहाँ सिखा रहे भाई बिजनेस करना, उसको पढ़ा रहे हैं, वो प्राउड फील कर रहा है, उसको उस टाइम पता नहीं, जब बाजार में जाएगा जब पता लगेगा। MBA का कोर्स कर लिया भाई, ठीक है भाई MBA का कोर्स हो गया भाई, जिसने करवाया वो भी बिजनेस नहीं कर रहा, अब जिसने आपको कोर्स करवाया बिजनेस का, जब उसको बिजनेस करना ही नहीं आता तो वो क्या कोर्स करवाएगा, अब बच्चे ने जो पढ़ लिया वो फिर जॉब ढूंढेगा, वो बिजनेस थोड़ी ढूंढ रहा है, बिजनेस तो है ही नहीं उसके पास, बिजनेस का तो मतलब ही नहीं, क्योंकि उसको बिजनेस की सिर्फ पढ़ाई करवाई गई, उसका प्रैक्टिकल नहीं हुआ, धरातल ज्ञान नहीं हुआ उसको। अब क्या होएगा, वो जब बिजनेस करने के लिए जाएगा, मैंने कोई आज तक देखा ही नहीं ऐसा बिजनेस करने वाला बंदा है ही नहीं, कोई दिखा ही नहीं होगा, तो उसके दादा परदादा का बिजनेस चल रहा होगा, हो सका उसमें लग गया हो, या फिर उसने वो सीखा होगा, नहीं तो वो क्या करेगा, वो भी जॉब करेगा। और ऐसे मैंने बहुत MBA देखे जॉब मिलती नहीं, और कॉल सेंटर में लगे हुए हैं 7-8 हज़ार रुपये में जॉब कर रहे हैं, वो उनका बिजनेस मैनेजमेंट हो गया। कोई ऐसी फिर कोई ऐसी स्कूल, कोई ऐसा कॉलेज, कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जिसमें पैसा कमाने के बारे में बताया जा रहा है, मनी मैनेजमेंट के बारे में बताया जा रहा है, या फाइनेंशियल फ्रीडम होने के बारे में पढ़ाया जा रहा है। आम आदमी से पूछो कब तक काम करोगे भाई, कब तक रिटायरमेंट लेना चाहो, सरकार तो 58 साल में भी दे दे, 60 साल में भी दे दे। आम आदमी क्या है, मैं देखूँ 65 साल का आदमी भी काम करने लग रहा, ओ को भाई साहब जब तक जीऊँगा जब तक काम करना पड़ेगा, क्यों,
क्योंकि उसने जो पैसा कमाया उस पैसे को मनी मैनेजमेंट तो थी नहीं, आती नहीं थी उसको, उसने उस पैसे को काम पे कभी नहीं लगाया अपने, वो खुद से पैसा अर्निंग कर रहा, उसको खर्च कर रहा, उसको आज तक समझ में नहीं आई। अब उसका हरिद्वार जाने का टाइम आ लिया, अब भी वो काम कर रहा है, अब वो करता ही रहेगा। अब उससे पूछो, आप 30 साल वाले को पूछो, भाई क्या करना चाहते हो, भाई बहुत से पैसे कमाना चाहूँ। 35 वाले को पूछो, उसका भी यही जवाब है। 45 वाले को पूछो, यहाँ 60 साल वाले भी यही जवाब देंगे। और 60 साल वाले को कहो, भाई तू तो सो जा, तो कमा लिए जितने कमाने थे, इब तक नहीं कमाए गए, इब के कमाओगा भाई, रहने दे, क्यों तंग हो रहा। तो जब तक बिजनेस मैनेजमेंट नहीं आएगा, जब तक व्यापार का हिसाब नहीं आएगा, कोई भी आदमी दुनिया के अंदर आज तक नौकरी करके तो अमीर बना नहीं। अब हमारा जो माइंड है, ये दुनिया का सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर है, भगवान ने इसको ऐसा कंप्यूटर बनाया, ऐसा कंप्यूटर दोबारा दुनिया में कोई आदमी नहीं बना सकता इसको। कैसे, इससे हम जैसे हम कंप्यूटर है हमारे पास, आजकल लगभग सभी कंप्यूटर चलाते हैं, तो हम जो उसको कमांड देते हैं वो वही काम करता है। अब जो हमारे हाथ में मोबाइल है वो भी वही काम, वो भी कंप्यूटर ही है। उसमें हम YouTube चलाएंगे, YouTube चल जाएगी, Facebook चलाएंगे, Facebook चल जाएगी, WhatsApp चलाएंगे, WhatsApp चल जाएगा, Insta चलाएंगे तो Insta ही चलेगी। ये तो है नहीं कि Insta चला रहे हो तो Facebook चल रही है, या Facebook चला रहे हैं तो WhatsApp चल गया, ऐसा तो नहीं होएगा ना। जो हम उसको कमांड दे रहे हैं वो वही काम कर रहा है। अगर हम एक की चीज की कमांड दी वो चला रहे हैं, उसके बाद हमने उसको छेड़े नहीं, वो चल ही नहीं रहा, क्योंकि हमने उसको कमांड नहीं दी। ऐसे ही हमारा दिमाग भी काम करता है, दिमाग भी सुस्त है, वो आराम से मजा ले रहे हैं। हम उससे जितना क्वेश्चन करते हैं वो सिर्फ उतनी ही बात का जवाब देता है, उसके अलावा वो कोई हमें जवाब नहीं देता। फॉर एग्जाम्पल, कोई गाड़ी जा रही है सड़क पे, वो है मर्सिडीज, अब वो 35-40 लाख रुपए से कह दो कम है नहीं, हमने वो देखी, नहीं यार या नहीं ले जानेगी भाई, हमारे दिमाग को क्या संकेत मिला कि ये जो है ऑप्शन ये खोलना नहीं है इसको, वो खोलेगा ही नहीं, वो आराम से बैठा, क्योंकि आपने उसको कमांड ही नहीं दी। अब अगर गाड़ी वही जा रही है, आप सोच रहे यार ये भी तो नहीं है मेरा ब्योद, मैं लेऊंगा इसने जरूर, कैसे लेऊं, फिर आपका दिमाग उस साइड चलना शुरू हो जाएगा, वो वही वाली फाइलें खोलनी शुरू कर देगा, वही वाले ऐप खोल लेगा, किस तरीके से मिलेगा 2-4-5 साल में वो आपको बताएगा। जैसे अगर हमें शिमला जाना है, सर्दी का मौसम है, धुंध बड़ी हुई है, अब हम क्या सोचें यार शिमला कैसे जाएंगे, धुंध है तो दिख ही नहीं रहा, अरे गाड़ी स्टार्ट कर भाई, फोक लैंप जला, 500-1000 गज तो दूर दिख रहा है, 1000 गज दूर पहुंच, फिर अगला हजार दिखेगा, चल। तो दिक्कत परेशानी सबसे ज़्यादा यही है कि हम ज़्यादातर आदमी नेगेटिव आदमियों के पास रहते हैं। नेगेटिव आदमी किसी से मिल लो, किस्मत खराब है भाई, बस 12 महीने का एक डायलॉग है, 10-20 बार कहे उसके बालक भी कहने लग जाए फिर किस्मत खराब है, उसकी लुगाई भी कहने लग जाए किस्मत खराब है, ओ किस्मत तो नहीं खराब करके, ओ भाई किस्मत तो फिर इसका मतलब रिलायंस वाले की धीरे हुआ अंबानी की भी खराब थी भाई, वो तो पेट्रोल पंप पर लग रहा था, उसने तो उन्ना भी कह दिया किस्मत खराब थी भाई, आज उसका लड़का ही देश का सबसे अमीर आदमी है। जब हम छोटे थे, जो मेरी उम्र के आदमी है, लेडीज है, जेंट्स है, कोई भी है, उन्होंने जब से हमने बचपन में नाम सुना, टाटा बिरला का नाम सुना हमने, हमने कभी रिलायंस का नाम सुना ही नहीं, को भाई रिलायंस वाला भी कोई आदमी है या वो बहुत ज्यादा अमीर है। उस आदमी ने क्या किया, अपने दिमाग को कमांड देके और सबसे आगे निकल गया। आज की डेट में टाटा बिरला उसके आगे कुछ भी नहीं है। उसने क्या किया, अपना एक विजन सेट कर लिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप पीछे चले जाओ, महाभारत कालीन का एक वाक्य है, मैं आपको बताता हूँ भाई। द्रोणाचार्य जी ने अपने 3 चेले 4 चेले इकट्ठे करे भाई, वो तीर चलाने सिखाया करता था उनको, सबको तीर चलाना सिखाओ था, अर्जुन भी उसका चेला था और भी ट्रेनिंग तो वो वही दे रहा था उसको भी अरुण को भी। तो उसने क्या किया, एक मछली, एक चेले को एक मछली दी, मछली थी मरी हुई, उसको कहा इस पेड़ पे टांग दे, बरगद का पेड़ था, बहुत बड़ा पेड़ होता है बरगद का, आपको पता ही है, उस पे उसको टांग दे ऊपर जाके, ठीक है भाई। अब एक को चेले को बुलाया, तीर कमान दे के उसके हाथ में उठा भाई तीर, देख भाई सामने क्या दिख रहा, उन्हें गया गुरु जी मैंने तो बरगद का पेड़ दिख रहा बहुत बड़ा, करा चल रख दे इसको साइड में चले जा। अब दूसरे को बुलाया, आ जा भाई,
देख क्या दिख रहा? नुगा जी बरगद का पेड़ दिख रहा। नुगा बिल्कुल ध्यान से देख क्या दिख रहा? नुगा गुरु जी मछली दिख रही। और कुछ दिख रहा? नुगा ना जी और तो नहीं कुछ दिख रहा। नुगा चल भाई, फर बुलाया, अर्जुन जी का नंबर आ गया, आ जा भाई, देख भाई क्या दिख रहा, ध्यान से देख। उन्हें कहा जी मछली की आंख दिख रही। नुगा और भी कुछ दिख रहा? नुगा ना और तो कुछ भी नहीं दिख रहा, सिर्फ मछली की आंख दिख रही। अब क्या हुआ? उसका विजन क्लियर था और इसीलिए सबसे बड़ा योद्धा वही था, वो जो उसका निशाना सबसे पक्का था। जब उसने तीर मारा वो वहीं लगा। उसको क्या है, उसको बाधाएं नहीं दिख रही। उसकी सोच पॉजिटिव थी, नेगेटिव थी नहीं। जो वो और नेगेटिव थे, पेड़ दिख रहा भाई, दूसरा कम नेगेटिव था उन्हें मछली दिखा दे पूरी, और जो पॉजिटिव था उन्हें सिर्फ और सिर्फ उसकी आंख दिखी। वो जो बाधाएं थी अलग से वो उसको दिखी नहीं। जब उसने तीर मारा वो सीधा मछली की आंख पर लगे जाके। यही 5000 साल पुरानी स्टोरी है। तो यही नियम आज भी लागू है, यही नियम अगले 5000 साल के बाद भी लागू रहेगा, सारी दुनिया के अंदर लागू रहेगा, हर व्यापार काम धंधे के ऊपर लागू रहेगा। तो नेगेटिव आदमियों से दूरी बना के रखिए। नेगेटिव आदमी किस्मत खराब है भाई, और किस्मत बढ़िया भी हो जाएगी ना तेरी भाई, लॉटरी भी निकल जाएगी ना, अगले 5 साल के बाद फिर नंगड़ होना। क्यों? तेरे को व्यापार बिजनेस की समझ नहीं है, तू तो इसकी ढीला चला देगा भाई, बस कहेगा किस्मत बढ़िया होगी। और किस्मत भाई, किस्मत कुछ नहीं है। जितने सक्सेसफुल आदमी है, जितनों को मैं जानता हूँ, या मैंने कहीं पढ़ा है या कहीं देखा है टीवी में, उनके बारे में सुना है, वो कोई भी आदमी किस्मत पे विश्वास नहीं करते। किस्मत इज नथिंग, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया के अंदर कुछ भी चीज असंभव नहीं है इंसान की, क्योंकि ये जो माइंड है इससे स्ट्रॉन्ग चीज कोई नहीं है। दुनिया का कोई चीज ऐसी नहीं है जिसके ऊपर इंसान ने कब्जा नहीं करखा, जिसकी जिसकी ताकत हम ये कह सकते हैं कि इंसान से इस चीज की ताकत ज्यादा है। और कोई मशीन ऐसी नहीं बनी आज तक किसी वैज्ञानिक पे कि जिसको खाना खिलाएं कुछ भी वेज या नॉन वेज, और वो उसका डाइजेस्ट करके उसका खून बना दे। ऐसी कोई मशीन नहीं बनी और ना ही बनेगी भाई। ये तो परमात्मा का है, ये तो परमात्मा पे ही छोड़ दो। अब एक और है, एक जिम्मेदार था भाई, किसान था, वो था शिव जी का भगत, वो डेली पूजा करे करता भाई, 12 महीने जाया करता शिव जी के मंदिर में माथा टेकन। एक दिन पार्वती जी ने कहा भाई यूर तेरा भगत है तो रोज ही आवे, इसने इस तक पूछ बेचारे थे क्या इच्छा है इसकी। शिव जी प्रकट हो गए, हाँ भाई बच्चा बोल क्या दिक्कत है भाई। वो कहने लगा जी आप तो सृष्टि के रचता हो, आप मेरे दाने पूरे हैं बहू में, कभी तो बारिश हो जाए, कभी गर्मी ज़्यादा हो जाए, कभी सर्दी ज़्यादा हो जाए, कई बार ये खराब भी हो जाए, मेरा थोड़ा बहुत नुकसान भी हो जाए, कई बार ज़्यादा भी नुकसान हो जाए। तो उन्हें कहा बच्चा बोल भाई तू क्या चाहे। उन्हें कहा जी जब आप पे सारी पावर है तो आप ऐसा काम क्यों करो, जब बारिश की जरूरत है बारिश दे दो, धूप की जरूरत है धूप दे दो, ठंड की जरूरत है ठंड कर दो। उन्हें कहा ठीक है भाई, ये पावर मैं अगले 6 महीने के लिए तेरे को दे देता हूँ, ये तेरे खेत के ऊपर लागू होगी। शिव जी भगवान ने उसको बोल दिया। उसने कहा ठीक है जी, अब दानों का सीजन था क्यों होगा। उसने नेस लगाई बसंती माता की, और भाई बारिश होगी भाई, उसके खेत का पलेवा हो गया। अब पलेवा हो गया ना, खेत बा दिए, उस टाइम तो अड़ोए करते भाई, उन्हें बा दिए, बा दिए फिर उन्हें अपना दाने बो दिए उसमें। अब दाने बो दिए, जब पानी की जरूरत थी उसने गया नेस लगाई, पानी बारिश होगी पानी हो आ गया। जब धूप की जरूरत थी धूप खिला दी उन्हें, जब ठंड की जरूरत हुई ठंड खिला दी। अब उससे हुआ क्या, वो जो पेड़ था गेहूं का वो इतने बड़े बड़े हो गए, मस्त हो गए एकदम पूरी स्पीड से, क्योंकि उनको जो चाहिए था वातावरण उसके अनुकूल हो गया, बिल्कुल सेम टू सेम। अब लास्ट जब आया उनका दानों का कटने का जब टाइम आया, अप्रैल के महीने में लगभग कटते हैं हरियाणा में, तो शुरू के वीक में भी लास्ट तक भी कटते रहते हैं। अब जब वो टाइम आया दाने कटने का, तो उसमें दाने ही नहीं हुए, दाने क्यों नहीं हुए भाई। अब फिर वो शिव जी भगवान के फिर मंदिर में गया भाई, जावा तो था ही वो, फिर वह प्रकट हुए शिव जी जी, भाई भगवान जी ये क्यों होया, तो एक दाना भी नहीं होया। उन्हें कह यार मैं क्या करूँ, तो नहीं तो कह था
भाई मेरे पास पावर दे दे, वह आप इस तरह कर ले करो, बारिश की जरूरत हो बारिश दे दे करो, गर्मी की जरूरत हो गर्मी, सर्दी की जरूरत हो सर्दी, मैंने तो दे दी भाई। कह रहे जी तो कुछ भी नहीं होया। उन्होंने कहा भाई जब तक विपरीत परिस्थिति नहीं आएगी आदमी या कोई भी चीज दुनिया की वो ग्रो नहीं कर पाएगी। इसका मतलब बाधाएं तो आएंगी, आप कुछ भी काम करो रुकावटें आएंगी। अगर रुकावटें आ ही नहीं रही इसका मतलब तो आप कोई सही काम कर ही नहीं रहे, आप तो वही काम कर रहे हो जो पहले आपको आता है, ना ही कोई नया काम सीख रहे हो ना ही अपने बिजनेस व्यापार काम धंधे को फैला रहे हो आगे। तो ये ही तरीका है, उसके अलावा तो कोई तरीका नहीं है। बस नेगेटिव आदमियों से मिलो वो आपका खोपड़ा खराब कर देंगे। गांव में इसको माइंड को खोपड़ा कहते हैं, मेरा साला तो इसको खोपड़ा ही कहवा, और का पता नहीं क्या कहूँगा गांवों में, मैंने इतना नहीं पेरा हो तो खोपड़ा कहवा खराब हो गया। तो इस टाइप से इस तरीके से अगर हम अपने बच्चों को मनी मैनेजमेंट सिखाएं, उनको पैसे की वैल्यू बहुत ज़्यादा ना बताएं जितनी अमूमन लोग बताते हैं, वो तो उसको जाके बाद में पता ही लग जाएगा। जब उसको पहले पैसे की इतनी ज़्यादा अहमियत बता दी, इतना ज़्यादा कमाना मुश्किल है मुश्किल है मुश्किल है, जब वो 20-22 साल का हुआ उसको कह घर से जा भाई पैसे ला कमा के, अरे यार सारी उम्र तो उसको ज्ञान देने लग रहे, उसकी प्रोग्रामिंग कर दी, उसका ऐप ही नहीं डाला पैसे कमाने वाला उसमें, अब उसको कह रहे माउंट एवरेस्ट पे चढ़ जा भाई, उसको तो बताया 3 मंजिली चढ़ना मुश्किल है भाई, अब कैसे चढ़ेगा, कर दिया उसका खोपड़ा खराब। किसने करा? आपने करा। बाकी रहा से किसने करा? उन स्कूल वालों कर दिया। प्लासी की लड़ाई, शाहजहां, अकबर, औरंगजेब, हड़प्पा कालीन सभ्यता, ये सारी उसको बता के प्रकाश संश्लेषण, गुरुत्वाकर्षण का नियम बता दिया, पास्कल का सिद्धांत बता दिया, और भी 500 तरह के उसके खोपड़े में वो चीजें घसोड़ दी जो कि अब उसके किसी काम नहीं आएंगी पैसा कमाने के लिए। तो शुरू से ही उसे कुछ में कुछ उसका जो भी उसका कोई किसी भी चीज में इंटरेस्ट है उसको आप डेवलप करो। हर आदमी की कोई में कोई स्किल है नहीं है, सीख लेगा कुछ में कुछ तो खासियत लेके वो पैदा हुआ है। तो इस तरीके से अगर आप अपने बच्चों को मानसिक विकास करेंगे तो उनको फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप आज फाइनेंशियल डाउन है तो आपके बच्चों की स्थिति ऐसी ना आए, तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आप सक्सेसफुल। मंत्र है ये, जिंदगी में सक्सेसफुल जितने आदमी हुए हैं, जितने सफल हुए आपके गांव में, गुआंड में, तहसील में, ब्लॉक में, शहर में, स्टेट में, देश में या दुनिया में, वो इसी तरीके से पॉजिटिव एनर्जी लेके अगर उन्होंने कोई काम किया, एक विजन बनाया, एक अपना गोल सेट किया और उस गोल को ही देखा, सिर्फ अर्जुन की तरह उन बाधाओं को देखा ही नहीं, तो वो सक्सेसफुल हो गए। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप मेरे चैनल पे अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।